अच्छा प्रेजेंट आएंगे सब नाम लिखना इस नगर पालिका परिषद का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के नव निर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद अहमद और सभासदों का शपथ ग्रहण शनिवार को संपन्न हुआ। उप जिलाधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी ने नव निर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। समाजवादी पार्टी के खाते में सीट आने और जिले की सबसे बड़ी लीड से जीत दर्ज करने पर सपाई खुश दिखाई दिए। नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद पर सपा के मोहम्मद अहमद चुनाव जीते हैं। शनिवार को एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी ने रामाकृष्णा लॉन में उन्हें शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी उत्पीड़न को झेलते हुए सभी सपा कार्यकर्ताओं ने इतनी बड़ी जीत दिलाने का काम किया। नए अध्यक्ष और सभासद नगर पालिका को पुनः एक आदर्श नगर पालिका बनाने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान मोहम्मद अहमद जी को जनपद में सबसे लंबी लीड देकर के चेयरमैन निर्वाचित किया। हम श्री मोहम्मद अहमद जी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से महमूदाबाद की जनता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रकट करते हैं। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का ताज जो मेरे पास जानकारी है कांटों भरा ताज है। लगभग 33 गांव इस नगर पालिका परिषद में अनुदान जुड़े हुए हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि लगभग 6 दिन पूर्व जो गांव हमारी नगर पालिका परिषद में अनुदान शामिल हुए थे उसमें 8 सफाई कर्मी जो पंचायत राज विभाग से थे वो ब्लॉक यानी गांव में भेज दिए गए। जब तक सफाई कर्मियों की नियुक्ति न हो उनके पद न सही हो तब तक पूरे नगर पालिका के जो गांव और जो पुराने वार्ड है उसमें सफाई की व्यवस्था एक कठिन चुनौती है। हमें डिटेल तो जानकारी नहीं लेकिन जो नोटों में जो मेरे पास जानकारी है लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास सड़कों के और जो ये स्ट्रीट लाइट का भुगतान पुराने कार्यकाल का बाकी है ये आप जान लीजिए। 16 लाख रुपया मिठाई का बाकी है। 16 लाख डीजल का बाकी है। 50 लाख पत्रकार मित्रों का बता रहे 50 लाख रुपया बाकी है। तो मैंने पहले कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष का पद कांटों भरा ताज है लेकिन मोहम्मद अहमद जी अनुभवी आदमी है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभासदगण अधिकारी कर्मचारी मिलकर के चेयरमैन साहब मिलकर के महमूदाबाद की आम जनता की भावनाओं के अनुरूप नगर को विकसित करने का प्रयास करेंगे, नगर को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे, नगर को सुंदर रखने का प्रयास करेंगे, नगर में युवाओं को खेल की सुविधा देने का प्रयास करेंगे। नगर में हालांकि जमीन नहीं है लेकिन किसी पार्क का प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज के अवसर पर चूंकि एक मेरी बैठक और चल रही है
मुझे जाना था। अंत में आप सब नगरवासियों का आपने शांत पूर्वक ढंग से सरकारी उत्पीड़न सहते हुए नगर पालिका परिषद पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्रीमान मोहम्मद अहमद जी को जिताया है, इसके लिए समाजवादी पार्टी तरफ से महमुदाबीन की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और प्रयास करेंगे कि नगर पालिका महमुदाबाद हमारी गुणात्मक रूप से अच्छा काम करके नगर वासियों के दिल को जीतने का प्रयास करेंगे। ऐसा अनुरोध और ऐसी अपेक्षा आदरणीय चेयरमैन साहब से है, हमारे सभी सभासदगणों से है, सभी पालिका के अधिकारी कर्मचारियों से है, क्योंकि जनता का विश्वास जो इस बोर्ड को मिला है वही सर्वोपरि। वार्ड मेंबर चेयरमैन में जनप्रतिनिधियों ब्यूरोक्रेसी में अच्छा तालमेल रहे तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा। आज मैं कल फेसबुक देख रहा था, किसी यूजर ने हालांकि फेक आईडी थी, उसने कहा कि पालिका प्रशासन बदला और नाले के ऊपर से ढक्कन हटा दिया जिससे दुकानदारों को दुकानदारी करने में दिक्कत आ रही। किसी यूजर का मैंने कल देखा, अगर बरसात पर नाला साफ नहीं होगा और ढक्कन हटाकर ही साफ होगा, अगर नाला साफ नहीं होगा तो बरसात पानी सड़कों पर भरेगा। इसलिए एक तरफ वो लोग हैं जो पालिका के नव निर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों को जिनकी आज शपथ हो रही है इसके पूर्व ही बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए साजिश से भी बोर्ड को होशियार रहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सपा छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह ये गुलों से उड़ते हैं, कभी पर्वतों से धुएं की तरह उड़ते हैं, और ये कैंचियां उड़ने से इन्हें खाक रोकेंगी, ये कैंचियां इन्हें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये पलों से नहीं हौसलों से उड़ते। मैं बधाई देना चाहता हूं उसके साथ साथ सभी निर्वाचित सभासदों को जिन्होंने अपने वार्ड में चुनाव जीता है, मंच पर उपस्थित पैतेपुर टाउन एरिया के हमारे प्रत्याशी और पूर्व चेयरमैन मौलाना अंचल साहब भी मौजूद हैं। हमें इस बात की थोड़ा सा गम भी है कि बहुत कम वोटों से और सरकारी सांसदों से ये चुनाव हम जीतते जीतते रह गए। मंच पर उपस्थित तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नाम, बहुत सारे बुजुर्ग, किस किस का नाम लें, किस किस का जाए भूल, हम सब समाजवादी गुलशन के प्यारे फूल। ये कार्यक्रम इस बात का तारीख है, गवाह है कि हुक्मरान या तानाशाह कितना भी बड़ा तानाशाह हो, इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में हमेशा जनता ही सर्वोपरि होती है और ये जनता ही किसी को गद्दी पर बैठाती है, उतारती है। तो मैं इस महमुदाबाद की महान जनता को, महमुदाबाद के गरीब मजदूर किसान नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर आपने तानाशाही के खिलाफ देश में जमहूरियत को जिंदा रखने का काम किया है, देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किया है। चुनाव के पहले दिन से ही जिस तरह का माहौल महमुदाबाद में बनाया जा रहा था, हमें सूचना मिली कि रात के 12 बजे भी चेयरमैन साहब पर मुकदमे लिखने का काम किया, लोगों का फोन आया कि बहुत ज्यादा तानाशाही हो रही है, जाति हो रही है। हमने कहा निश्चिंत रहिए, आदरणीय मोहम्मद अहमद जी वो नाम है जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते हैं, और ये काम वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो काम अपने युवा होने के समय से लगातार लड़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो ये जितनी छोटी मोटी तकलीफें हैं इन पर ये हावी होने वाली नहीं, और वही हुआ। लगातार आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, आप सभी के प्यार से, आप किस
सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से एक बार फिर महमूदाबाद नगर पालिका पर समाजवादी परचम लहराया और पूरे जिले में आपने जितने ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठकर हम आपका नाम लेकर अपने ऊपर फख्र महसूस करते हैं। और इस जीत में आप सभी का बहुत योगदान है। हम आप सबको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसी विषम परिस्थितियों में, जब देश के दिए संविधान को, देश के आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों की, इस देश में जमहूरियत को मानने का काम किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का मानने का काम किया जा रहा है, जो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमें ताकत दी कि गरीब मजदूर किसान का बेटा कच्चे मकान और बने मकानों में रहने वाला अपना नेतृत्व चुन सकता है, अपना भविष्य चुन सकता है। ऐसे परिस्थितियों में जब सरकार तानाशाह होकर एक तरफा काम कर कई कम कई वोटों से हराने का काम कर रहे थे, वहीं आपने महमूदाबाद की जनता ने साबित किया कि वोटों का अंतराल इतना ज्यादा होगा कि आप चाहकर भी हमें हरा नहीं पाओगे। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के नव निर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने कहा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नगर पालिका का वो मैं खास तौर से खुले रूप से ये निर्देशित करता हूँ कि कूड़ा सफाई, नाली सफाई, नालों की सफाई, बरसात आने वाली प्रार्थना के आधार पर कल से ये काम शुरू कर दिया जाए। जहाँ पर पानी की व्यवस्था गड़बड़ है, नल खराब है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए तुरंत हैंडपाइप लगवाए जाए या उनको रिपोर्ट कराया जाए। जहाँ पर बिजली की व्यवस्था गड़बड़ है, बल्ब नहीं लगे हैं, वहाँ पर तुरंत बल्ब लगाने के काम, बिजली की व्यवस्था सुधारने का काम करना आप लोग प्रारंभ करें, यही हमारी प्राथमिकता है। और कोई ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करनी है, जो शिकायत हो एक शिकायत बस आपके नगर पालिका में रखा रहेगा, आप उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई होगी। मैं जानता हूँ करीब 800-700 फाइलें जो हैं वो दाखिल खारिज की पेंडिंग है, आज तक के नहीं हुई, नक्शे नहीं पास हुए और बिजली नहीं जलाई गई, पर्दे नहीं बनाई गई, नाली नहीं बनाई गई, मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की कमी के कारण है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और यहाँ के राजा और महाराजाओं ने उनको पाला था, पोसा था, शरण दिया था और वो लूट करके चले गए, आपको लूट के गए, उसी तरीके से आपने पिछले चुनाव में किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे आप, लूटा और फरार हो गया, सड़कों पे कागज बन गई, सड़कों पे घन लग गए, कागज पे सब काम चलता रहा और आप लोग खामोश बैठे रहे, बैठे रहे, नहीं बैठे रहे, कोई बोल पाया? नगर पालिका का विस्तार हुआ, चतरा बहन को जोड़ा, उसके बगल में जाफरपुर ग्राम सभा को नहीं जोड़ा, जबकि दो वार्ड वहां पहले से हैं, नूरपुर उत्तरी और नूरपुर दक्षिणी, बगल में जयरामपुर, उसको नहीं जोड़ा और 3 किलोमीटर आकर बांसराम जोड़ दिया, लेकिन हमारे सभासदोंगणों ने आंख मूंद के दस्तक कर दिया, ये नहीं देखा कहां जा रहे हैं। बेहटा छावनी इंदौरा वार्ड है, बीच में पहलामऊ ग्राम सभा है, छोड़ दिया और सुकाईपुर, बछलापुर, बरेवापुर, रजपापुर चले गए, कोई बोलने वाला नहीं, ना सभासद, ना यहाँ के नेता, ना कोई, चुपचाप आंखें पहुंच करके बैठे रहे। आप देख लीजिए कि गुंडागर्दी का कितना माहौल है। मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई है, मेरे खिलाफ क्या लिखा जाता है रिपोर्ट, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये एसआई के एजेंट है, तमाम के शब्द बोले जाते हैं और सब चुप रहते हैं। जब तक के आपसे संघर्ष करने की हिम्मत नहीं होगी, आपके ऊपर जुल्म और अत्याचार कभी बंद नहीं हो सकता है। इसलिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए अपनी मांग उठाने की, अपना काम कराने की, आपको न्याय मिलने की।
तो जो हमने वादे किए हैं, जो मुद्दे आपके हैं, वो चाहे जो गांव जुड़े हो, चाहे मोहल्ला जुड़ा हो, सबका विकास होगा, सबका सबके विश्वास के साथ में, जिसकी जो समस्याएं हैं सभासद ग्रहण, वो समस्याएं अपने वार्ड की हमारे समक्ष रखें, उनका सबका काम किया जाएगा सबके विश्वास के साथ में। बस यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लंच पैकेट लीजिए, बोतल लीजिए और आराम से घर जाइए। जय हिंद। समारोह को संबोधित करते हुए चेयरमैन प्रतिनिधि आमिर अराफात ने कहा, हमारे सम्मानित नागरिक बंधु, नौजवान साथियों, मैं आपका दिल से बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतनी मजबूती के साथ खड़े होकर 4600 वोटों से हमारे पिता श्री मोहम्मद अहमद जी को सीतापुर जिले में इतनी बड़ी बढ़त से जीत हासिल कराई। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता। उसके बाद मैं अपनी माँ बहनों को अपने मंच के माध्यम से, मेरी आवाज से जा रही होगी बाहर, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मेरा चुनाव स्टार्ट हुआ तब से उन लोगों ने दुआ की, फिर वोट डाला इस धूप में, गर्मी में, लाइन में लगकर, और जब तक मेरे पिताजी जीत कर बाहर नहीं निकल आए तब तक उन लोगों ने नमाजें और दुआएं नहीं बनती, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे पिताजी श्री मोहम्मद अहमद चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन मौलाना अध्यन साहब, प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय भाई, त्याग भाई, ओमकार चाचा, और हमारे पीले नदीम भाई, और नवनिर्वाचित सभासदगण, और जितने लोगों को मैं नाम नहीं ले पाया हूँ माफी चाहता हूँ, सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों ने चुनाव में हमारा बहुत सहयोग किया। मेरे पिताजी ने, मैंने बहुत से आप लोगों से वादे किए, इंशाल्लाह मैं उन वादों को इन 5 सालों में आपके सामने पूरा करके दिखाऊंगा, ये विश्वास मैं कभी नहीं भूलने दूंगा। अतिथियों का स्वागत ईओ शैलेंद्र दुबे, आमिर अराफात, यासिर अराफात, इश्तियाक शाक आदि ने माल्यार्पण व बुके देकर किया। अध्यक्ष के साथ साथ एसडीएम ने बेहटा छावनी से मुन्नी देवी, इंदौर से संतोष कुमार, मालसराय से प्रेमचंद्र, रमुआपुर से राम कुमार, पुरानी बाजार से अशोक, शेरापुर से विशंभर प्रसाद, ठाकुरपुर से मोहम्मद सैफ, सुंदौली से सुनील मौर्य, भट्टा से नूर जहां, इमलिया से शमा बानो, गुलरामऊ से रिजवाना, नई बाजार उत्तरी से उमेश कुमार, शहजानी से कमर अली, अमीरगंज से शन्नू, कैथी टोला से मोहिनी श्रीवास्तव, महमूदाबाद से साफिया खातून, नूरपुर दक्षिणी से कहकशा, पैगंबरपुर से सईद अहमद, संगतालिका से राना, कुरैशी टोला से बेबी नाज, वेलदारी टोला से चक्र सुदर्शन पांडे, सरावगी टोला से शिवा खातून, टकरा से इस्लाम, नूरपुर उत्तरी से सिराज अहमद, नई बाजार दक्षिणी से बीना गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार, पैतेपुर पूर्व चेयरमैन मौलाना अफजल, सपा नेता मोहम्मद शफीक, नदीम अहमद, जिला पंचायत सदस्य ओमकार नाथ, साकेन्द्र यादव आदि उपस्थित रहे। संचालन शरद मिश्र ने किया। Study Well Group of Institutions, Sitapur, Study Well Public School, Vijay Lakshmi Nagar, Study Well Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur, affiliated to CBSE Board, New Delhi, World Class Infrastructure, NCC for Boys and Girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, State of Art Labs, School Cinema, Ultra Modern Teaching Support, Digital Classroom, Study Well Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।